हेलो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच हिंदी वाक्य और हिंदी वर्ड। ओके, हिंदी वाक्य मतलब पूरा वाक्य एक हिंदी में हम कैसे राइट कर सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश में राइट करते हैं कि शी हैज़ अ डॉग, नहीं, शी हैज़ अ गर्ल, शी हैज़ अ पैंस प्रिटी गर्ल। दैट मीन्स कोई भी पूरा वाक्य हम वर्णों से या शब्दों से बनाते हैं, वो हम सीखेंगे। और तीन वर्ण वाले शब्द, मतलब तीन शब्द से बनकर एक, तीन वर्णों से मतलब तीन अक्षर से मिलकर जो एक शब्द बनता है, और जो चार अक्षरों से मिलकर एक शब्द बनता है, वो आज हम हिंदी में सीखेंगे। बट बिफोर लेट मी टेल यू डेट, डे, वेदर एंड सीजन। विच डेट टूडे? टूडे 2 December 2020, day Wednesday। How is weather outside? Weather cold, and which season going on? Winter season। Children, in last video I have already revised दो वर्णों से बनने वाले शब्द और उनसे बनने वाले वाक्य। So today I will explain about वाक्य, शब्दों से बनने वाले वाक्य। क्या हम यहाँ पे क्या करेंगे यार, शब्दों से बनने वाले वाक्य। देखिए, दिए गए वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पे क्या है, य श ऊठ ह ठ म त कर, ऊठ कर पढ़ अप नल पर चल। सेम टू सेम वाक्य हम फिर से नीचे, यहाँ डाउन साइड में मैं राइट करूँगी और फिर से रीड करूँगी और फिर से राइट भी करूँगी। सो यू इन योर हिंदी बुक कॉपी डाउन, दैट मीन्स आपकी बुक में ये ऑलरेडी ये जो वाक्य लिखे हुए हैं, वहाँ जो नीचे वाली लाइन जो ब्लैंक है, उसमें आपको कॉपी डाउन करना है। लेकिन कॉपी डाउन करते समय आपको रीडिंग भी करना है, अंडरस्टैंड? सो लुक हियर चिल्ड्रन, यश, 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 उठ, उठ, यश, उठ, हट, माता, कर, हट मत कर, यश उठ, हट मत कर, उठ कर पढ़। देखिए, उठ कर, उठ उठ, कर कर, पढ़ पढ़, उठकर पढ़। अब नल पर चल, अब नल पर चल। समझ में आया? आप ये जो वाक्य मैंने यहाँ राइट किए हैं, वो आप हिंदी बुक में ही कॉपी डाउन करेंगे। समझ में आया चिल्ड्रन? देखिए, यश उठ, यश कौन है? एक पर्टिकुलर एक बच्चे का नाम है, यश उठ। हम बोलते हैं ना, अमित गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो आप लोग, मम्मी आपको बोलती है यश गेट अप। ओके, यश उठ, हट मत कर। ओके, हट मत कर, उठकर पढ़, उठकर पढ़, अब नल पर चल, अब नल पर चल। समझ में आया चिल्ड्रन? अभी यहाँ सेम चीज़ है, दिए गए वाक्यों को आपको पढ़ना भी है और राइट भी करना है, रीडिंग के साथ राइट भी करना है। सो चिल्ड्रन, नल, देखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस, नल पर जल भर, नल पर जल भर। फिर जग भर कर रख, जग भर कर रख, अब टब भर, अब टब भर, टब भर कर चल, टब भर कर चल। सेम वाक्य हम नीचे राइट करेंगे, हमने देखिए यहाँ पे राइट करेंगे, सेम चीज़ को फिर से कॉपी करना है हमें। लेकिन कॉपी क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें रीडिंग सीखना है और राइटिंग भी सीखना है, हाउ टू राइट। ओके, न ल, नल। आप मेरे साथ राइट करिए और बोलिए,
न ल नल प र पर ज ल जल भ र भर नल पर जल भर। ठीक है फिर देखिए जग भर कर रख जग भर कर रख जग भर कर रख। अब टब भर अब टब भर टब भर कर चल। ठीक है टब भर कर चल। देखिए नल पर जल भर जग भर कर रख अब टब भर कर चल। समझ में आप लोगों को? देखिए ये जो वाक्य है ये केवल शब्द मतलब अक्षर इसमें कोई मात्रा नहीं अभी हमने यूज़ करी है। मात्रा वाले शब्द अभी बाद में आएंगे आपको लेकिन पहले आपको केवल अक्षरों से शब्द बनाना है। कब कुछ भी शब्द बना सकते हैं कमल मछली। देखिए मछली भी आप अभी नहीं बना सकते क्योंकि आपको अभी मात्रा नहीं आती है। ठीक है ना मगर बिना मात्रा के जो केवल अक्षर से मिलकर जो शब्द बन रहे हैं समझ में आया? ठीक है अभी नेक्स्ट पेज पे तीन वर्ण वाले शब्द। अब देखिए तीन वर्ण का मतलब क्या है कि तीन अक्षर है एक दो तीन दिख रहे हैं आपको ग र म हुए तीन तीन व अक्षर हुए। तीन अक्षरों से कितना शब्द बनेगा ओनली फॉर वन। ओके तो तीन वर्णों वाले शब्द अभी हम फिर ये भी आपको केवल कॉपी डाउन ही करना है सेम टू सेम राइट करना है हिंदी बुक में चिल्ड्रन। सो लुक हियर देखिए ग र म व्हाट इज दिस गरम ग र म गरम। ठीक है ग र म गरम फिर क म र कमर क म र कमर देन न म क क्या हुआ न म क नमक। फिर देखिए नेक्स्ट वन सड़क 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 कोई मात्रा यूज हो रही है नहीं लहर 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 मटर मटर। ठीक है मटर मटर फिर क्या है फसल 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 देन नेक्स्ट इज हवन 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 हवन। ओके अभी नेक्स्ट फिर से हमको वाक्य है यहाँ पे हमने क्या राइट किया है वाक्य है इन वाक्यों को भी आपको केवल पढ़ना है और समझना है। समझेंगे तो ठीक है फिर आगे आपको रीडिंग भी करना सीखना है। देखिए अमन इधर आ बतक मत पकड़ सड़क पर मत टहल कलम उधर रख। अभी मैं नीचे राइट करती हूँ यहाँ आपको एक के बाद एक लाइन में करना है अमन अमन इधर इधर आ। ओके बतख बतख मत पकड़। ओके
सड़क पर मत टहल, सड़क पर मत टहल। फिर कलम इधर रख, ठीक है, कलम इधर रख, अमन इधर आ, बतक मत पकड़, सड़क पर मत टहल, कलम इधर रख। समझ में आया चिल्ड्रन? अभी देखिए नेक्स्ट, ये चार वर्ण वाले शब्द है। कौन से शब्द है? चार वर्णों वाले शब्द है, मतलब चार अक्षर है अलग अलग, और शब्द कितना बन रहा है? एक ही बन रहा है, ठीक है। चार अक्षरों से मिलकर एक शब्द बना है, समझ में आया? अभी देखिए यहाँ पे श ल ग म हुए चार, श ल ग और म, सलगम, चार अक्षर से मिलकर एक शब्द है, राइट करिए। स ल ग म सलगम, अ च क न अचकन, अ च क न अचकन। फिर है थ र मस थर्मस, अ द र क अदरक, अ द र क अदरक। सर्कस, स र क स सर्कस, क स र त कसरत, भ र गद भरगद, झट प ट झटपट। समझ में आया? देखिए फिर से हम रीड करते हैं, चार वर्णों वाले शब्द है। कौन से शब्द है? ये चार वर्ण वाले शब्द है। देखिए स ल ग म, स ल ग म, अ च क न अचकन, थ र म स थर्मस, अ द र क अदरक, स र कस सर्कस, क स रत कसरत, ब र गद बरगद, झट पट झटपट। समझ में आया चिल्ड्रन? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? केवल हम शब्द अक्षरों से ही शब्द बना रहे हैं, और अक्षरों से ही शब्द बनाकर वाक्य भी बना रहे हैं। समझ में आया आपको? अभी देखिए नेक्स्ट में भी देखिए, हमारे शब्द अक्षर है, अक्षर से हमने शब्द बनाया, और शब्द से क्या बनाया? वाक्य बनाया। दैट मीन्स लेटर है हमारे पास, लेटर से वर्ड बनाया, और वर्ड से सेंटेंस बनाया। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू? सो अहमद अहमद, झटपट उठ अहमद, झटपट उठ। यह थर्मस रख, यह थर्मस रख। अचकन पहन, अचकन पहन। अब सर्कस चल, अब सर्कस चल। देखिए हम नीचे कॉपी डाउन कर रहे हैं, यही शब्द हम फिर से लिखेंगे नीचे, आपको अपनी बुक में ही कॉपी करना है चिल्ड्रन। सो लुक हियर, अ ह म द अहमद, ज ट पट झटपट, ऊ ठ झटपट उठ, अहमद झटपट उठ। य ह यह, थ र मास थर्मस, र ख रख, अ च कन अचकन, प ह न पहन, अ ब अब, स र कस सर्कस,
ल चल, समझ में आया? अभी देखिए, अहमद झटमट उठ। अहमद, अहमद पर्टिकुलर एक बच्चे का नाम है। अहमद झटमट उठ। यह थर्मस रख। अचकन पहन। अब सर्कस चल। समझ में आया चिल्ड्रन? दीज एक्टिविटीज कंप्लीटेड।